तो लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट को खत्म कर दिया। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी हमने डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज का जो हमारा चैप्टर है जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो कि आपके पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब बात आती है तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइंस नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। मतलब अगर साइंस कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वहां पर 10, 20, 30 या 100 से ज्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देती है और उन प्रॉब्लम का फिर से सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हमारे पास आज जो सोल्यूशन है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके पास सोल्यूशन, जो हमारे पास मिक्सर होता है, केमिस्ट्री का जो सोल्यूशन होता है, केमिस्ट्री का सोल्यूशन का मतलब आपने दो चीजों को मिक्सअप किया और दो चीजों को मिक्सअप करने के बाद जो आपके पास होमोजीनियस सब्सटेंस बनता है, होमोजीनियस सिस्टम बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। और इस सोल्यूशन में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, इस सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी और उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन होता है, आखिर सोल्यूशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन आपके पास होता क्या है, केमिस्ट्री के टर्म में हमारे पास सोल्यूशन का मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन आपके पास जब भी हम क्या करते हैं, सपोज हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं, आपके पास है एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ लिक्विड इस तरह से पुट किया हुआ है और अगर आपने लिक्विड रखा हुआ है तो यहां पर सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर, हमारे पास अभी वाटर इस कंटेनर में है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, वाटर, वाटर, ओके। तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने वाटर पुट किया हुआ है और इस वाटर में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दें, सपोज हम यहां पर क्या डाल लेते हैं, यहां पर हम ग्लूकोज ऐड कर लेते हैं, ठीक। अगर हम इस वाटर में ग्लूकोज ऐड करते हैं और ग्लूकोज को अगर हम डिजोल्व कर दें पूरी तरह से, उसे स्पून लेकर पूरी तरह से क्या कर लें, मिला दें उसमें, तो जो आपके पास ये सिस्टम बनेगा ये आपका बनेगा होमोजीनियस। ये आपका कैसा बनेगा, होमोजीनियस, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो पूरा सिस्टम हमारे पास तैयार हुआ दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जो भी सिस्टम हमने तैयार किया, जो भी सॉल्यूशन हमने यहां पर तैयार किया, वहां पर जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा होता है, एक जैसा होगा थ्रू आउट द सिस्टम, आपका थ्रू आउट द बल्क आपको एक जैसा दिखेगा। मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन है वहां पर जो आपके पास कंपोजिशन होगा हर जगह पर एक जैसा दिखेगा। अगर मैं पार्टिकल यहां से उठा लूं, ठीक है, अगर हम यहां से कुछ क्वांटिटी ले लें या फिर यहां से कुछ क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल दें उसे, ठीक है, तो जो भी आपका कंपोजिशन होगा दैट विल बी रिमेन सेम। मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम रिमेन सेम थ्रू आउट द सिस्टम, रिमेन सेम थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। जो भी आपका सिस्टम है या बल्क है उसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो आपने सिस्टम लिया हुआ है वहां पर जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। कंपोजिशन एक जैसा दिखेगा आपको, कंपोजिशन एक जैसा दिखेगा। आई थिंक लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं, इस टर्म को हम समझ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, ठीक है। अगर आपने देखो जैसे आप क्या करते हो, सुगर को वाटर में आपने डिजोल्व किया, पूरी तरह से आपने डिजोल्व किया। अब होता क्या है, जब आप डिजोल्व करते हो तो आप चेक करते हो उसमें सुगर कितना हुआ, सुगर की क्वांटिटी कितना है, टेस्ट कैसे आ रहा है उसका। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, हल्का सा ड्रॉप लोगे, चेक करोगे और चेक करने से आपको पता चल जाता है कि जो आपका पूरा ग्लास है, पूरा जो बीकर है, उसका स्वाद कैसा होगा। मतलब आपने क्या किया, थोड़ा सा लिया लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि इस पूरे सिस्टम, इस पूरे बीकर, इस पूरे ग्लास की में जो चीनी का क्वांटिटी है वो कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो आप केवल एक ड्रॉप से ही पता कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंपोजिशन एक ड्रॉप का है, सिंगल ड्रॉप का जो कंपोजिशन है वही पूरे ग्लास का है, पूरे ग्लास का या पूरे बीकर में जो आपने शुगर एड किया है उसका कंपोजिशन सेम है। एक ड्रॉप आपने ली, चेक किया, आपने देखा
इसमें शुगर कितना है, ठीक है, आपको पता चल गया कम है या ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पूरे सिस्टम का पता कर सकते हो। तो दैट मीन्स वो कैसे पता किया आपने, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है शुगर के पार्टिकल वाटर में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके हिसाब से हम पता कर रहे हैं कि जो आपका सोल्यूशन है होमोजीनियस है, और जो भी आपके पास होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है, सॉरी होमोजीनियस मिक्सर जितने भी आपके पास होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सर आपका क्या होगा, सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सर को ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर को ही हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक, होमोजीनियस मिक्सर। अब आगे अगर हम बढ़े इसमें, क्योंकि जब हमने सोल्यूशन की बात की तो सोल्यूशन कि जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो हमने क्या किया वाटर ऐड किया, दूसरा हमने ग्लूकोज ऐड किया, दोनों को होमोजीनियस बनाया तो आपका सोल्यूशन बना, यानी कि सिंपल टर्म में हमने बोला कि होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर को ही हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। जितने भी आपके पास होमोजीनियस होंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, तो जितने भी इस तरह के आपके पास सिस्टम निकल कर आएंगे जहां पर आपको होमोजीनिटी दिखेगी, होमोजीनियस नेचर दिखेगा, वो आपके सब क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो जो भी यहां पर पार्टिकल के साइज है, चाहे वो शुगर का पार्टिकल हो या फिर ग्लूकोज का हो या फिर वाटर का पार्टिकल हो, उनका जो साइज का रेंज होगा दैट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, और यू कैन से 1000 पिकोमीटर से कम होगा। अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज से कम आता है, 1 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर से कम अगर पार्टिकल का साइज आता है, सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज अगर इससे कम आता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं, राइट। अब आपके पास जो भी सोल्यूशन होगा वहां पर आपके पास क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं या सोल्यूट की बात करते हैं तो आपके पास होता क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास क्या बनता है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अ सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है, क्योंकि आपने जैसे यहां पे मिक्सर किया तो जिसका अमाउंट कम होगा, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में जो आपके पास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो आपके पास लार्ज क्वांटिटी में होगा, यानी कि एक्सेस में होगा, लार्ज क्वांटिटी में जो आपके पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर नॉर्मली जैसे अभी आपने देखा कि अगर इसका क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट हो गया, ये आपका ज्यादा हो गया तो ये आपका कम था, ये आपका सॉल्यूट हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। लेकिन नॉर्मली जो चीजें डिजोल्व कर लेते, जैसे वाटर अधिकतर क्या होता है, एज अ सॉल्वेंट काम करता है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास सपोज करो कि आपके पास एल्कोहल और वाटर है, ठीक, अब लेस क्वांटिटी है तो आपके पास क्या होगा, अगर इसका क्वांटिटी लेस है तो ये एज अ सॉल्यूट काम करेगा, अगर इसका क्वांटिटी ज्यादा है तो ये एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसे क्या करूं, 50% इसे करूं और 50% इसे करूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 50% ये है और 50% ये है, मतलब दोनों का जो क्वांटिटी है 50-50% है। तो इस कंडीशन में जो वाइडली जो अधिकतर सॉल्वेंट की तरह काम आता है उसी को हम सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे, जो अधिकतर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है उसी को हम सॉल्वेंट एज्यूम करेंगे, उसी को हम सॉल्वेंट मानेंगे। 50% ये भी है लेकिन बराबर हो गया। अब इस कंडीशन में जो अधिकतर सॉल्वेंट का काम करता है वही आपका सॉल्वेंट माना जाएगा उस कंडीशन में, वही वहां पर सॉल्वेंट माना जाएगा उस कंडीशन में, बराबर होने पे, ठीक। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं जो कि आपको नहीं दिखेगा बहुत सारी जगह पे, सॉल्वेंट जो आपके पास होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, काफी कम होता है। बीपी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जिस सब्सटेंस का दोनों में से कम होगा वही आपका अधिकतर
अगर हमारे पास एक और कंडीशन है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तब भी उसकी एक कंडीशन बनती है कि वो सॉल्वेंट की तरह काम करे, बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर। हालांकि यहां पर अलग कंडीशन बन सकती है, लेकिन एक और कंडीशन हमारे पास होती है कि जिसको भी हम सॉल्वेंट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, उसमें अधिकतर चीजें डिजोल्व होनी चाहिए, ठीक है, या उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है, वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होना चाहिए तब जाके आपका सॉल्वेंट हम उसे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन है, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और तीसरी जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा, जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लो होगा सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जब लो होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी मतलब वेपर प्रेशर हाई होगा, तो वेपर प्रेशर जिसका हाई होगा उसी को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे, ठीक, इतना हुआ आपको। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में जरूरी नहीं कि आपके पास कंपोनेंट केवल दो हो, कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपके पास टू कंपोनेंट, जैसे कि आपने अभी तक देखा एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था, जब आपके पास इस तरह से कुछ होता है, वन सॉल्यूट या फिर टू कंपोनेंट सिस्टम, तो जो आपके पास टू कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं बाइनरी, क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक, बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगला अगर आपके पास क्या हो गया, थ्री कंपोनेंट वाला कोई सॉल्यूशन आपने बनाया तो जो थ्री कंपोनेंट वाला होगा उसे हम बोलेंगे टर्नरी, ठीक है, टर्नरी का मतलब तीन और बाइनरी का मतलब दो। अच्छा, टर्नरी जैसे अगर आप यहां पर तीन कंपोनेंट की बात कर लो तो तीन कंपोनेंट का मतलब जैसे हमने क्या किया, आपने वाटर लिया, ठीक है, यहां पर आपके पास वाटर है, एक कंपोनेंट हो गया, इसमें आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया और ग्लूकोज के साथ आपने शुगर भी ऐड कर लिया तो कंपोनेंट दो यहां से आ गए और एक ही हो, तो आपके पास तीन कंपोनेंट हो गए, तीन कंपोनेंट मतलब टर्नरी सॉल्यूशन, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। अच्छा, फोर कंपोनेंट अगर आपको दिखते उसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन का मतलब फोर कंपोनेंट है उसमें, फोर, इसमें एक और डाल दो कुछ, अभी तक आपके पास तीन है, इसमें NaCl डाल दो और उसे होमोजीनियस बना दो तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पॉलीनरी हो सकता है, मतलब बहुत सारे पॉली, ठीक है, पॉलीनरी हो सकता है आपके पास, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में आपको मेनली कौन सा दिखेगा, सबसे ज्यादा ये वाला दिखेगा आपको, बाइनरी वाला, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल इसके भी दिखेंगे टर्नरी के, तो हम बात करेंगे इन दोनों के ऊपर, ठीक है, इस पे रिलेटेड जो आपका जैसे फोर्थ वाला है इससे रिलेटेड बहुत कम मिलेंगे आपको, और अगर प्रॉब्लम भी होंगी तो हल्की सी प्रॉब्लम होंगी, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्वार्टरनरी से नहीं होगी, ठीक। तो ये आपके पास हुआ बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी और भी हो सकते हैं कंपोनेंट, लेकिन एक और बात आपको यहां पर ध्यान देनी है कि यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, वाटर तो अपनी जगह है ना, वाटर अपनी जगह है, तो मतलब जब भी आप कंपोनेंट की बात करते हैं या सॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वार्टरनरी हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, वहां पर आपका जो सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट एक ही होगा, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, सॉल्यूट आप कितने भी चेंज कर लो लेकिन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो एक ही रहेगा, एक सॉल्वेंट हो सकता है और मेनी सॉल्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। तो ये आपके पास हुआ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, राइट, ये आपके पास बना। आगे हम देखते हैं जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो वाइडली यूज किया जाता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे ही हमारे पास पहला आता है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट के कितने पार्टिकल वहां पर हैं, सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी वहां पर प्रेजेंट है, उसी को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन में, ठीक है, कंसंट्रेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना है, क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट,
क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी है, आखिर कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपली देखेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और सपोज कर लो कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है वाटर। ठीक है, यहां पर हमने वाटर पुट किया है। अब यहां पर आप शुगर ऐड कर दो इस बार। ठीक है, शुगर ऐड कर लेते हैं। आप यहां पर कितना शुगर ऐड कर रहे हो, कितना शुगर आप ऐड कर रहे हो, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो क्वांटिटी है या उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, उसकी जो मिठास आएगी वो चेंज होती जाएगी। तो दैट मीन्स इसका जो क्वांटिटी है, शुगर का क्वांटिटी, उसे हम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास तरीका है उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज। सपोज आपके पास यहां पर कुछ भी वाटर है, ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम शुगर, 2 ग्राम शुगर, या 10 ग्राम, या 50 ग्राम, या इस तरह से आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो परसेंटेज अलग अलग आएगा, जो कंपोनेंट जो आप शुगर ऐड कर रहे हो उसका परसेंटेज अलग अलग आएगा। तो दैट मीन्स मास परसेंटेज को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूट सपोज करो कि अगर हम यहां पर क्या कर ले, कंपोनेंट मान ले दो, ये आपके पास है कंपोनेंट ए और ये आपके पास है कंपोनेंट बी। तो यहां पर हम इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सपोज बी आपका क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, बी आपका सॉल्यूट है, तो आपका यहां पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो यहां पर सॉल्यूट हमने क्या मान लिया, बी, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ बी, ठीक, इनटू 100। तो ये आपके पास जो क्वांटिटी है, ये जो आपका रेशियो है या परसेंटेज में जो आपने एक्सप्रेस किया, इसे हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। ठीक है, ये आपके पास पहला तरीका हुआ। सपोज हम यहां पर मान लेते हैं कि सपोज आपने क्या, शुगर और वाटर वाला फिर से हम देख लेते हैं यहां पर, कि आपके पास यहां पर क्या है, 200 ग्राम हमने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम 10 ग्राम शुगर ऐड कर लेते हैं, 10 ग्राम शुगर ऐड कर लेते हैं। और आपसे बोला जाता है कि जो यहां पर शुगर का मास परसेंटेज है उसे कैलकुलेट करो, या यहां पर आपके पास जो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज है, यानी कि वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं कि आपसे बोला गया है 10 ग्राम ऑफ शुगर एडेड टू 200 ग्राम ऑफ द वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया होगा कि सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट की जगह पे आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो आपके पास यहां पर 10 और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब आप यहां पर लिख सकते हो 200 प्लस 10 और इनटू 100। ठीक, मतलब आपके पास आएगा 10 इनटू 100 ये वाला, और डिवाइडेड बाय 200 10, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ शुगर, वही आपका क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ शुगर, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, जब आपके पास क्या हो, जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में हो, तो उस कंडीशन में हम ये भी कर सकते हैं। अभी तक तो आप मास, जैसे हमने वाटर का सीधा किसमें ले लिया, ग्राम में ले लिया, अब हम एमएल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन्हें एमएल में मेजर करें और फिर वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो उस कंडीशन में जो दूसरा तरीका हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और इसी को हम बोल सकते हैं वी बाई वी
परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा लगभग आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम मान लें यहां पर कि सपोज आपने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या किया, 20 ml ऑफ एल्कोहल, 20 ml ऑफ एल्कोहल एडेड इन 180 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि 20 ml ऑफ एल्कोहल, 20 ml ऑफ एल्कोहल किसमें ऐड कर दिया हमने, 180 ml ऑफ वाटर में, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी वी बाय वी परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा। तो यहां पर हमें सिंपली क्या करना है, देखो यहां पर आपके पास क्या है, 20 ml एल्कोहल मतलब ये सॉलिड हुआ, आपके पास क्या है 180 ml वाटर मतलब ये सॉल्वेंट हुआ, तो यहां पर आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि वॉल्यूम जो आपका सॉल्यूशन है वहां पर दो कंपोनेंट है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो 20 प्लस 180, ठीक, इनटू 100, यहां पर भी आपको 100 करना होगा, यहां पर भी 100, इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100, ये आपका गया, ये गया, ठीक है, ये आपके पास, ये आपके पास कितना आ गया 10%, ठीक है, कितना परसेंट 10%, ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हो सकता है यहां पर कि दो या दो से, अभी तो दो कंपोनेंट है, दो से भी कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और फिर आपको बोला जाएगा कि इस कंपोनेंट का निकालो, यहां पर तो सिंपल था कि किसका निकालना है, एक ही सॉल्यूट है तो उसी को हमें कैलकुलेट करना होगा, लेकिन अगर आपके पास यहां पर कुछ ऐसा दिया होता कि 20 ml एल्कोहल है और 20 ml क्लोरोफॉर्म है या कुछ अदर आपके पास यहां पर ऐड कर दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि इस कंपोनेंट का कैलकुलेट करो, जैसे हमने यहाँ पे अल्कोहल का कैलकुलेट किया तो 20 यहाँ पे रख दिया, अगर कोई और कंपोनेंट यहाँ पर होता तो उसका क्वांटिटी आप यहाँ पर रख दे और टोटल डिवाइड में ये कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एक और तरीका हमारे पास यहाँ पर है, एक और तरीका जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट है उसे तो आप इसमें ले रहे हो, वेट में ले रहे हो, और जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आप इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना वेट है डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। जैसे हमें अगर दिया हो कहीं पर कि 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, और आपसे बोला जाए कि WIP परसेंटेज कितना होगा, बहुत ही आसान, देखिए आपसे बोला गया है कि 5 ग्राम ऑफ सुगर किसमें ऐड किया हुआ है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर डायरेक्ट दिया हुआ है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml, और जो आपका सॉल्यूट है सुगर उसका क्वांटिटी कितना है 5 ग्राम। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर निकल कर आएगा यहां पर भी आपको 100 करना होगा, 100, ठीक है, 100। तो यहां पर आपके पास क्या है, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहां पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन दिया हुआ है तो 500 डिवाइडेड ये हो गया इनटू 100, ये गया, ठीक है, मतलब 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml ये आपके पास आएगा, ठीक है।
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 1 ग्राम पर एमएल में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, या 1% आप इसे लिख सकते हो। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आया वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना आया 1%। जैसे आपने देखा होगा सैनिटाइजर उसमें लिखा होता है कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या वी बाई वी कितना परसेंटेज है, ठीक है, वी बाई वी कितना परसेंटेज है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जैसे सैनिटाइजर उसके बाहर लिखा होता है कि जो वहां पर एल्कोहल का परसेंटेज है, एल्कोहल एल्कोहल दैट इज 5% वी बाई वी, इस तरह से कुछ लिखा होता है, या अलग अलग जो भी आपके पास उनका कंपोजिशन है या कंसेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखा होता है 5% वी बाई वी। मतलब ये जो कैलकुलेशन आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, ठीक है। और भी कुछ कंसेंट्रेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, ठीक। अच्छा, यहीं पर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास क्वांटिटी है, अगर सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में है, अगर आपके पास क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट इन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड बहुत 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 ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, और कब सुनने को मिलेगा, जैसे आप सुनोगे कि कब किया जाएगा, जब सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे। अब पार्ट्स पर मिलियन जो आपका पार्ट्स पर मिलियन है, इसे हम कैसे लिखते हैं पहले तो देखो, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप किस में कर सकते हो, मास में कर सकते हो या वॉल्यूम में कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम मास के अकॉर्डिंग अगर लिखे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है इनटू 10^6 मिलियन, ठीक है, 10^6 यानी कि मिलियन में हमने इसे कन्वर्ट किया। अभी तक हम किसमें कैलकुलेट करते, परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हमने यहां पर इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, मिलियन में, 10^6 में। फॉर्मूला वही है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप यहां पे वॉल्यूम भी ले सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पीपीएम में ये वो आंसर आपके पास होगा क्योंकि 10^6 है, और इसका यूज कब किया जा रहा है, जब आपके पास सॉलिड का क्वांटिटी बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे पोल्यूशन होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, धुआं धुआं, हर तरफ धुआं धुआं, ठीक है, तो हर तरफ धुआं धुआं होगा, तो पोल्यूशन जो आपका एयर है, वहां पर एयर में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, जो भी अदर गैसेज है, उनकी जो क्वांटिटी मेजर की जाती है, वो किसमें मेजर की जाती है, पीपीएम में, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो बहुत ही कम दिखेगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपके पास छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व, ओके, तो आपके पास इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि 6.0 × 10^-3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर, जिसका वेट कितना है 1030 ग्राम। अगर आपके पास इतना ग्राम ऑक्सीजन कहां पर डिजॉल्व है, 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर, तो वहां पर आपका पीपीएम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, परसेंटेज में देख लेते हैं पहले, अगर हम यहां पर देखें, यहां पर अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करें, मास परसेंटेज, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं यानी कि सॉल्यूट हुआ, तो 6 × 10^-3 डिवाइडेड बाय कितना करोगे 1030, और ये आपका आएगा 100, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास आएगा 5.8 × 10^-4, ये आपका यहां पर आएगा, ठीक है, 5.8 × 10^-4, ये आपका यहां पर आंसर आएगा, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, पीपीएम की, हम बात कर रहे हैं पीपीएम की, तो पीपीएम में थोड़ा सा चेंज क्या होता है, पीपीएम में चेंज क्या होगा, पीपीएम की मैं बात करूं, पीपीएम परसेंटेज अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं, पीपीएम में अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो पीपीएम में आपके पास क्या होगा, 6.0 × 10^-3 डिवाइडेड बाई
1030 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, अगर 10 to the power 6 हुआ तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ppm में वैल्यू आएगा। और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो केवल आपके पास क्या आएगा, 5.8 ppm। इसका मतलब क्या हुआ, 5.8 ppm का मतलब ये हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट है, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में प्रेजेंट है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में कितना प्रेजेंट है, 5.8। वो आसान, ठीक है, इसको थोड़ा समझना क्योंकि वैल्यू थोड़ा टफ लग रही है लिखने में, तो ये वाला जो आपके पास तरीका है ये काफी आसान है। या फिर सपोज हमें बोल दिया गया कि जो आपके पास SO2 है, SO2 इज इन एयर, SO2 का जो क्वांटिटी है वो आपके पास सपोज बोला जाता है कि SO2 का क्वांटिटी 5 ppm इन एयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, SO2 5 ppm इन एयर, इसका मतलब होगा सिंपली मीनिंग क्या होगा कि 5 ग्राम ऑफ SO2 इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ एयर। मतलब अगर आप इतना एयर ले रहे हो तो उसमें से केवल आपको 5 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्लोराइड का क्वांटिटी है, ठीक है, फ्लोराइड का क्वांटिटी होता है, उसे भी ppm में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ppm का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 10 ppm से ज्यादा हो गया तो टूथ का डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ppm का यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर आपका सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में या ऑक्सीजन का क्वांटिटी सी वाटर में, या फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पर क्वांटिटी बहुत कम होती है सॉल्यूट की, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। राइट, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगले कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, और दूसरा हमारे पास होता है मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन जो भी होगा हम सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी का, ये आपने क्लास लेवल में भी पढ़ा होगा कि मोलैरिटी जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि अधिकतर जो हमारे पास लैब में एपरेटस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि जैसे 250 का हो गया या 500 ml का हो गया, इस तरह से होते हैं, कुछ 10 ml का हो गया। ठीक, तो वहां पर हम लीटर की जगह किस चीज का यूज करेंगे, ml का यूज करेंगे। और जब आप ml का यूज करोगे तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि 1000 ml इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 1 liter। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर 1 ml लिखूं तो आई कैन राइट 1/1000 liter। राइट, यानी कि इस तरह से आप लीटर और ml को रिलेट कर सकते हो। आगे अगर आपके पास, क्योंकि वहां पर कुछ भी आपके पास ml में हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, तो यहां पर अगर मेरे पास VML है, ठीक है, VML है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, VML इक्वल टू वी कैन राइट V upon 1000 liter, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1000 ml 1 liter, 1 ml इक्वल टू 1/1000 liter हुआ। फिर सपोज करो कि आपके पास VML है, VML कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, तो VML इक्वल टू V/1000 liter। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं, फिर मोलैरिटी इक्वल टू राइट, कैसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, केवल सॉल्यूट के होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक,
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमने यहाँ पे ml में चेंज किया तो यहां पर मैं क्या करूंगा, v बाई 1000 किया, ठीक है। अब ये वाला आपके पास कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर गया, दैट मीन्स यहां पर आपके पास ये आ गया और यहां पर आपके पास आ गया 1000, ठीक है, कन्वर्ट हो गया जो आपका ml था लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो भी आपका किसमें होगा, यहां पर आपका v इक्वल टू ml में दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, इनटू 1000। और आगे अगर इसे सॉल्व करें हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वी कैन राइट मास अपॉन मोलर मास, यानी कि m इक्वल टू वी कैन राइट मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मास को अगर हमारे पास यहां पर, क्योंकि जो भी आपके पास होगा, जो भी सॉल्यूट होगा, अगर हम उसके मास को यहां पर किससे रिप्रेजेंट कर लें, डब्ल्यू ए सपोज डब्ल्यू ए, और मोलर मास को, उसके मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम ए से, ठीक। ये जो फॉर्मूला होगा आपका, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फिर एम, एम का मतलब मोलरिटी, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके, सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, एम ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू 1000 ऑलरेडी आपके पास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बनता है जहां से आप आसानी से किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अगर आपको पता है कि उसका मास कितना है, मोलर मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ऐसा कुछ आया था हमारे पास, तो मतलब इसका जो यूनिट होगा मोल पर लीटर के फॉर्म में आपके पास इसका यूनिट आएगा, ठीक है। और इसी को हम बहुत बार क्या लिखते हैं, मोलर भी लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, मोलर, इसी को हम मोलर के टर्म में भी बोल सकते हैं, मोलर, ठीक है। अब आपके पास नॉर्मली अगर हम क्या करें कि आपके पास कोई है, कोई सोल्यूशन है, वहां पर हमने क्या किया, वन मोलर मास, उसका क्या है, वन मोल को हमने ऐड कर लिया, वन मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 1000 ml, ठीक है, 1000 ml ऑफ वाटर। अगर ऐसा कुछ करते हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूट है उसका वन मोल लिया, और वन मोल लेने के बाद आपने उसे 1000 ml में ऐड कर दिया, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी, उसकी मोलरिटी होगी वन, मोलरिटी इक्वल टू वन, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, वन मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक। दैट मीन्स जैसे हम यहां पर इस चीज का यूज करें, इस फॉर्मूले का यूज करें, तो मोलरिटी, ठीक है, अब आपके पास क्योंकि वन मोल है, ठीक, वन मोल मतलब इसका जो वेट होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। सपोज हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिया गया है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया, तो इसका मोलरिटी क्या होगा, बहुत ही आसान। देखो हमारे पास क्या है, 40 ग्राम तो सॉल्यूट हुआ, ठीक है, 40 ग्राम आपका सॉल्यूट हुआ, 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे, 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि ये भी कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, इंटू 1000, तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले में है V आपका कितना है, 1000 ही है, 1000, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आएगा, 1 मोलर, कितना आएगा, 1 मोलर,
ये आपका इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मोलरिटी 1 आ गया तो उसे बोलेंगे 1 मोलर, अगर आपका मोलरिटी 2 आ गया तो उसे बोलेंगे बाई मोलर, और अगर 1/2 आ गया मोलरिटी तो उसे बोलेंगे सेमी मोलर, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोलर आ गया, 1 मोल डिजॉल्व इन 1000, मतलब 1 मोलर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपके पास मोलरिटी आ गया 1/2 m, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 m, तो इसे हम बोलेंगे सेमी मोलर। क्या बोलेंगे? सेमी का मतलब हाफ, सेमी मोलर। अगर आपके पास आ गया 2 मोलर का मतलब क्या हो गया? बाई मोलर, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? बाई मोलर। अगर आपके पास आ गया 1/10 m, यानी कि 0.1 m, 0.1, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेसी मोलर। इसे हम बोल सकते हैं डेसी मोलर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0.5 या हाफ मोलर या फिर 2 मोलर का सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका, आप कहां पर बना रहे हो उसे, सपोज हमें क्या करना है, NaOH का हाफ मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है इन 250 ml, ठीक है। 250 ml का एक बीकर दिया हुआ है आपको, उसमें आपको क्या करना है, हाफ मोलर यानी कि 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.5 मोलर का सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है 250 ml में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सा आपके पास तरीका क्या है, कितना वेट हमें लेना होगा, क्योंकि यहां पर देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था m मोलरिटी, WA मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, राइट। अब देखो मोलरिटी दिया हुआ है कितना है, 0.5 इक्वल टू WA, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहां पर नहीं है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो WA हमने ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय MA मोलर मास ऑफ NaOH कितना, 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है इस बार, 250 ml का हमें बीकर दिया हुआ है, ठीक है, या फ्लास्क दिया हुआ है, तो वहां पर आपके पास क्या है, 250 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास कितना आएगा, 4, ये आपके पास कितना आ गया है, 10। तो 0.5 इक्वल टू 4 से ये कैंसिल आउट यानी कि 10, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे W बचा हुआ है, WA सॉल्व करोगे तो इसे इस तरफ ले जाओगे, यानी कि WA इक्वल टू 5 ग्राम। मतलब आपने क्या करना है, क्या है कि जो आपका 250 ml का होगा प्लस 250 ml का, वहां पर क्या कर दोगे, 5 ग्राम NaOH ऐड कर दोगे, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका जो मोलरिटी होगा वो कितना होगा, 0.5। बहुत ही आसान तरीके से आपने सॉल्व किया, ठीक है। बहुत बार मोलरिटी पूछा जाता है, ठीक, या अधिकतर हमें मोलरिटी देखनी होती है कि अगर हमें इतने 0.5 का बनाना है तो उसके लिए हमें कितना मास लेना पड़ेगा, कितना वेट लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई अदर आपके पास हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब मोलरिटी के बाद अब आपके पास एक और टर्म आता है, मोलरिटी। अगला आपके पास क्या है, मोलरिटी, ठीक। दोनों में थोड़ा सा सुनने में और लिखने में मुसीबत होती है, क्योंकि मिलते जुलते टर्म है और ऐसे मिलते जुलते लोगों से सावधान, मोलरिटी और मोलरिटी से सावधान, क्योंकि बोलने में भी और सुनने में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को हम क्रिएट कर लेते हैं और खत्म भी कर लेते हैं। कंफ्यूजन तो है लेकिन इसे हम खत्म करने जा रहे हैं। तो मोलरिटी का मतलब सिंपल सा, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे पहली बात, ठीक है। और जो मोलरिटी आपके पास होगी इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर भी वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय, यहां पर ध्यान दो, ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब
अभी तक जितने भी आपने फॉर्मूले देखे इससे पहले वहां पर डिवाइड में, डिवाइड में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे का सॉल्यूशन का मास, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मोलेलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर आपको क्या दिखेगा, सॉल्वेंट का मास दिखेगा, केवल सॉल्वेंट मास, एक ऐसी क्वांटिटी जहां पर केवल आपको सॉल्वेंट दिखेगा फॉर्म में, बाकी सब में क्या है, पूरे का सॉल्यूशन का आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा या सॉल्यूशन का मास आएगा। लेकिन जो आपका मोलेलिटी है वहां पर गड़बड़ कहां पर दिखेगा, कहां पर गड़बड़ है, इस अकाउंट में, अकाउंट में आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मोल्स, मतलब मोल्स का यूनिट मोल, ठीक है, पर केजी, यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, और मोल पर केजी को ही बहुत सारी जगह पे क्या लिखा होता है, मोलर, क्या लिखा होता है, मोलर, मोलैरिटी के लिए मोलर और मोलैरिटी के लिए मोलर, क्लियर। अच्छा, अब देखो इसी को आगे और सॉल्व कर लेते हैं, मोलैरिटी को ही, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे लिखा था पहले, डब्ल्यू ए बाई एम ए, ठीक, इनटू इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पर हम कर लेते हैं डब्ल्यू बी। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि अगर हम, क्योंकि ग्राम में ही होगा अधिकतर आपके पास जो सॉल्यूशन बना रही हूँ वहां पे ग्राम में आ रहा होगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास ये वाला क्वांटिटी यहां पर आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डब्ल्यू ए है ये आपका क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, और ये आपके पास होगा, ये आपके पास W, जो आपको इस तरह से दिख रहा है, एक को हम स्मॉल कर लें और एक को कैपिटल कर लें, तो ये आपका स्मॉल में मान लो इसे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, और ये कैपिटल W, ये हो गया कैपिटल का मतलब सॉल्वेंट, ठीक, मास या वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर इतना तो हो गया, इसी तरह से हम अगर हमें ये वाले पता है तो आप मोलैरिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो आपके पास होता है कि टेम्परेचर, अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाए तो इनकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मोलेरिटी, मोलेरिटी पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। आपने देखा यहां पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। यहां पर आपके पास इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करें और इसे कैपिटल एम से, एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली बात फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक में वेट आ रहा है दूसरे में वॉल्यूम आ रहा है अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स तो एक जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है, सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि इन दोनों में से मोलैरिटी, मोलैरिटी में से कौन सा अच्छा है, किसका यूज हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं, मतलब कर तो दोनों को सकते हैं लेकिन कौन सा ज्यादा सुटेबल है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई तो डिफरेंस जरूर क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो सोल्यूशन भी होगा, और सोल्यूशन होगा तो इन दोनों में से अगर हम देखें कौन सा अच्छा है तो मोरलिटी आपका ज्यादा बेटर है, मोरलिटी ज्यादा बेटर है, क्यों क्यों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया क्यों, तो उससे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, क्योंकि विद टेम्परेचर, ठीक है, विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर इंक्रीज, इंक्रीज इट रिमेन कॉन्स्टेंट, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो कोई फर्क नहीं, और यहां पर जो आपके पास है ये आपका चेंजेस विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर के साथ इसका भी नेचर बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो जो आपका मोलैरिटी होगा इसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ,
देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन है, ये आपने बंद किया और यहां तक ये फिलअप है, ठीक है। अभी आपने इसे किसके अकॉर्डिंग चेक किया, वेट के अकॉर्डिंग चेक किया, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग मतलब इस कंटेनर में यहां तक आपने सोल्यूशन बंद किया और फिलअप किया है, यहां पर भी आपने कुछ ऐसे ही किया है, यहां तक फिलअप किया है, यहां से आपने आग लगा दी, अब आग लगाने से क्या होगा, एक्सपेंड होगा, अब एक्सपेंड होगा तो यहां पर हमने वेट के अकॉर्डिंग लिया है, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो वेट टेम्परेचर के साथ कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, वेट में जो आपका सोल्यूशन है उसके वेट में टेम्परेचर के साथ कोई भी चेंज नहीं आएगा, जबकि इसके वॉल्यूम में, अगर पार्टिकल यहां थे तो पार्टिकल कहां चले गए, इधर उधर भाग जाएंगे, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल पहले यहीं पे थे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पार्टिकल दूर दूर चले गए, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर चले गए तो मतलब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कंसेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और इस वजह से जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होगी वो भी चेंज होगी। अब आपको यहां पर लग रहा होगा तो एक्सपेंड तो यहां पर भी हो रहा होगा, ठीक है, एक्सपेंड तो यहां पर भी हो रहा होगा, लेकिन यहां पर हमें वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं यहां पे, यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। वेट कितना है, जो आपका सोल्यूशन लिया हुआ है उसका वेट कितना है, ना कि वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यहां पर भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर हम क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मोलैरिटी, और मोलैरिटी देख रहे हो तो वॉल्यूम को इग्नोर किया तो इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा विद टेम्परेचर। ये आपने समझा, ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगला जो लास्ट क्वांटिटी हमारे पास होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक तरह से फ्रैक्शन में होगा, मोल का फ्रैक्शन होगा। सिंपली इसे कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, बाइनरी टर्नरी या कोई भी आपके पास है, तो वहां पर किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन को हम इस लेटर से एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए मैं एक्स बोल रहा हूं इसे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है ए एंड बी, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक, ये आपका ए और बी से मिक्सअप करके आपने कोई सोल्यूशन बनाया, और ए और बी को मिलाकर जब आपने सोल्यूशन बनाया तो मोल फ्रैक्शन हम ए के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए और बी दोनों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, दोनों में से कोई भी या जितने भी कंपोनेंट है उनमें से कोई भी एक, वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, जिसका कैलकुलेट करना है, गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। सिंपल से आपके पास क्या है, जो भी आपका सोल्यूशन है वहां पर कितने कंपोनेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है वहां पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन किसके लिए निकालना है, ए या फिर बी, तो वहां पर आपके पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक। तो सपोज करो कि आपको यहां पर निकालना है किसके लिए, ए के लिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन, ए के लिए निकालना है तो ए आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों तो है प्रेजेंट, दोनों इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, ए का। हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक, सिमिलर वे एक्स बी, एक्स बी का मतलब जो दूसरा कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी अब इस बार बी पूछा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। तो इस तरह से हर कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ। अगर सपोज करो कि यहां पर आपके पास ये तो बाइनरी था अभी तक, आपके पास अगर टर्नरी होता तो या क्वार्टरनरी होता तो कैसे करते हैं, तो भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। अगर आपके पास क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक, दैट कंपोनेंट क्या है, ए बी एंड सी, एबीसी है, एबीसी कंपोनेंट्स है, तो यहां पर अगर आपसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, या फिर टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब वी कैन राइट एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही तो हमारे पास फॉर्मूला था। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि कंपोनेंट ए के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, एन ए एन बी एन सी हो गया। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए, बी के लिए, अगर हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन फॉर बी, मोल फ्रैक्शन फॉर बी, तो हमें क्या लिखना होगा, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये लिखो गया, ठीक है, बी का मोल फ्रैक्शन एन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से एच सी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो गया। ठीक, आप जितने भी कंपोनेंट होंगे उसी तरह से आएंगे, मतलब अगर आपके पास एन कंपोनेंट होगा तो यहां पर प्लस 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 आता जाएगा। ठीक, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी सोल्यूशन है वहां पर आप नंबर और मोल फ्रैक्शन का सम निकालते हो, मोल फ्रैक्शन का सम निकालते हो कितने भी कंपोनेंट हो, तो इट विल बी यूनिटी, क्या होगा, यूनिटी होगा। मतलब अगर आपके पास जो भी सोल्यूशन है, बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वार्टरनरी हो, कोई भी सोल्यूशन हो, तो वहां पर जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा दैट विल बी वन, कितना आएगा, वन, आपको ध्यान रखना है वन आएगा। ठीक, आप देख ही सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं एक्स ए की जगह पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दू, इसी तरह से मैं इसको भी लिख दू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दू, और इसी तरह से आगे लिख दू, तो आपके पास क्या आएगा, ये तो कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास। ठीक है, एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये अभी हमने तीन ही कंपोनेंट मान ली सपोज। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम को पता चल गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यहाँ पे आपके पास आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा वन। ठीक, मतलब अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर दूं, मतलब मोल फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, वन ही लिखेगा आपको। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के लिए बाइनरी टर्नरी कोई भी आ जाए, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो वन से ज्यादा नहीं दिखेगा आपको, वन से ज्यादा नहीं दिखेगा, और यही होगा कोई सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा टोटल सम कितना आएगा, वन। ठीक, अगर आपके पास सॉल्यूशन सपोज करो ए एंड बी है, ठीक, आपको दिया हुआ है एक्स ए इक्वल टू 0.40, वन से कम ही होगा, जो भी कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू जो मोल फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी लेस देन वन। अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन मुझे पता है और सॉल्यूशन आपका बाइनरी है, ये बाइनरी है, और आपसे बोला जाता है एक्स बी कितना होगा, तो सिंपल, क्योंकि क्योंकि
आपके पास क्या टोटल मतलब एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, एक्स ए हमें पता है तो एक्स बी मतलब वन माइनस दिस वन दैट मीन्स विल गेट 0.60 राइट। एक और बात यहां पर हम आपको बता दें कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, तो कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन का यूज बहुत बार किया जाता है और हर कंपोनेंट के लिए आप ये कैलकुलेट करोगे और किसी भी कंपोनेंट के लिए इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन वन, और जो टोटल वैल्यू होगा मोल फ्रैक्शन का किसी सोल्यूशन के लिए कंपोनेंट का सम करोगे तो आपका कितना आएगा वन वन वन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है राइट। तो ये आपका होगा मोल फ्रैक्शन, सोल्यूशन का प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लड़ाई जारी है, ठीक है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।